आजमगढ़ उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर शिक्षक का सम्मान और सेवा बचाओ धरना प्रदर्शन का आयोजन रिक्शा स्टैंड कलेक्ट्रेट में किया गया। सभी शिक्षक मुख्यालय पर विरोध दिवस के रूप में धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी पीड़ित भावनाओं का प्रदर्शन किया। महासंघ के मांग को संबोधित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित SDM महोदय को दिया। महोदय ने समस्याओं के निराकरण का दिया आश्वासन। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खैरवार। सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा पर कुठाराघात किया है। जो माध्यमिक विद्यालय के जो शिक्षक थे, जो उनकी सेवा शर्तें थी कि प्रवर्तन के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था बिना विभागीय अनुमोदन के उच्चाधिकारियों के, उसमें संशोधन कर दिया। और जो नया चयन बोर्ड बनाया गया है प्राथमिक से लेकर के महाविद्यालय तक की नियुक्ति करने का, उसमें नियुक्ति अधिकारी को पूरा अधिकार दिया गया बिना किसी सुनवाई को शिक्षकों कर्मचारियों को दंडित करने का। तो एक तरह से इस जो नया आयोग का गठन सरकार ने किया, जो उसकी जो धारा 18 लाई है, वह निश्चित तौर पर शिक्षकों और कर्मचारियों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त जो प्रचलित पुरानी पेंशन योजना थी, जिसको सरकार ने 1 अप्रैल 2005 के बाद समाप्त कर दिया है, उसके संदर्भ में यह आंदोलन है। इसके अलावा जो प्राथमिक विद्यालयों में तमाम पद समाप्त कर दिए गए हैं, माध्यमिक विद्यालयों में, संस्कृत विद्यालयों में साजिश चल रही है पदों को भी समाप्त करने की। सबको राज्य कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त है। अच्छा, आज आप लोग यहाँ धरना स्थल पे, क्या विद्यालय सारे बंद हैं? सारे विद्यालय। अगर कोई कार्रवाई होती है प्रशासनिक, आप लोग कार्रवाई? हमारे सभी शिक्षक सामूहिक अपना अवकाश लेकर के आए हुए हैं। महिला अध्यापिकाएं भी नहीं गई होंगी विद्यालय में? नहीं, धरने स्थल की संख्या बहुत कम है। हाँ, लेकिन आज भले मौसम प्रतिकूल था, जिसके कारण वो यहाँ दूर लगभग 70 किलोमीटर की परिधि है जनपद की, वो शिक्षिकाएं नहीं आ सकी हैं, लेकिन वो विद्यालय पर वो नहीं है। आज विद्यालय बंद है। आज इस अपने आंदोलन के समर्थन में विद्यालय पूर्णतया बंद। अगर आपकी मांग नहीं पूरी होती तो अगली रणनीति क्या है? आगे हमारा जो प्रदेश नेतृत्व, तो आगे जैसा फिर यह प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज का कार्यक्रम था, आज के इस अभियान के बाद हमारा प्रदेश नेतृत्व, जिसके अध्यक्ष आदरणीय दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं, संयोजक आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, जो लगातार आज 40 साल से शिक्षक दल के नेता हैं, वो लोग जो जैसा तय करें कि आगे आंदोलन की रणनीति, उसके अनुसार किया जाए।